press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स सामना कर रही है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का इस बेहद ही धमाकेदार मुकाबले में आईपीएल 2021 से। आप देखते हैं कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतती है। नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतने वाली है। टॉस यहां पर जो है वो जीत लिया है। आप सभी को बता दूं, चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इस मुकाबले में, जहां पर उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम को हरा दिया है टॉस में और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। प्लेइंग 11 आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। फिलहाल के लिए आरसीबी की प्लेइंग 11 है। अब आपको दिखाऊंगा मैं चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11। यहां पर ओपनिंग करवाएंगे हम लोग फैफ डू प्लेसिस और उनके साथ जो है सैम करन का, क्योंकि बड़ी जबरदस्त फॉर्मेशन उन दोनों का होता है। आ चुके हैं बल्लेबाज, गेंदबाज तैयार है, बल्लेबाज रेडी है और ये टाइमर भी हो चुका है। चलो बस आप लोग जी हाँ, पहली गेंद यहाँ पर सामना करेंगे फैफ डू प्लेसिस। देखते हैं क्या कर पाएंगे पहली गेंद के ऊपर। और पहले ही गेंद पर बड़ा शॉट लगा दिया है, 4 रनों के लिए गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। बहुत ही बेहतरीन चौका फैफ डू प्लेसिस की तरफ से। आरसीबी की तरफ से क्रिस मॉरिस यहाँ पर जो है गेंदबाजी कर रहे हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे। फिर से तैयार है पीछे फैफ डू प्लेसिस, दूसरी गेंद सामना करेंगे क्रिस मॉरिस का। देखते क्या कर पाएंगे यहाँ पर, और कवर की दिशा में खेलने की कोशिश की थी, गेंद उतनी ज़्यादा घूमी नहीं जिससे सीधा शरीर पर आकर लग गई। अगली गेंद एक बार फिर से तैयार रहेंगे और इस बार ही लगता है इन्हें मुझे आउट करवाना पड़ेगा। तब महेंद्र सिंह धोनी आएंगे यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए। ओ, यहाँ पर आउट भी नहीं हो पा रहे हैं फैफ डू प्लेसिस। कोई ना, फिर से भी हम खुद को आउट करवाएंगे। देखिए कैसे आउट किया जाता है और आउट करने का तरीका होता है जो कि मैं आप सभी को दिखाऊंगा अभी। यार भाग यार, रन भी तो भाग ले। कोहली जी खुश, बहुत ज़्यादा खुश और इतने ज़्यादा खुश हो चुके हैं। कोई नहीं, अगले वीडियो में आपको मैं महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए आप फैफ डू प्लेसिस के बल्लेबाजी के जो है फैन हो सकते हैं और देख सकते हैं। यहाँ पर चौका लगा दिया डू प्लेसिस ने भी। अच्छे बल्लेबाज है तो इनकी भी बल्लेबाजी देखनी चाहिए लोगों को मेरे हिसाब से। खैर जब बात की जाए तो की जाए, अभी तो फिलहाल यहाँ पर फैफ डू प्लेसिस अच्छे फॉर्म में नज़र आते हुए। सामने है सैम करन, 8 रन बनाकर खेल रहे हैं फैफ डू प्लेसिस। अगली गेंद यहाँ पर पुल करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही करवाएंगे उनसे और देखते हैं क्या होता है। जैसे ही बॉल उनके पास पहुँचेगा तब यहाँ पर दौड़ना स्टार्ट करेंगे। और अब दौड़ते हैं, देखते हैं विकेट गिरता है कि नहीं। अभी भी नहीं विकेट गिरा है। काफ़ी ही ख़राब फील्डिंग मेरे हिसाब से यहाँ पर होती हुई। अगली तरफ से वॉशिंगटन सुंदर आ गए हैं और अब देखते हैं सुंदर जी क्या करेंगे, क्या कमाल यहाँ पर कर पाएंगे। फैफ डू प्लेसिस एक बार फिर से तैयार रहेंगे और आते ही फैफ डू प्लेसिस ने स्वागत किया है वॉशिंगटन सुंदर का चौके के साथ। पान पराग के साथ करते हैं स्वागत बरातियों का और इनका स्वागत किया है चौके के साथ। बहुत बेहतरीन चौका, काफ़ी अच्छी यहाँ पर बल्लेबाजी होती हुई इन फैफ डू प्लेसिस की तरफ से। अगली गेंद इस बार तब फिर से सामने रहेंगे इस बारी, अगर आप सभी को बता दूं। ओहो, तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं, इसी वजह से कुछ खास काम कमाल यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए कैसे विकेट गिरेगा फैफ डू प्लेसिस का। ओ भाई, ये तो अलग ही मूड में है, चौका पे चौका लगाया जा रहा है। कोई नहीं, अभी मैं आउट करवाऊंगा इनको। महेंद्र सिंह दे दनादन खतरनाक धोनी को ओपनिंग दिलवाऊंगा। ओपनिंग तो नहीं, लेकिन कोई नहीं, कप्तानी से गद्दारी, कप्तान से गद्दारी, कप्तान से धोखा यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं होगा।
फेफ डू प्लेसिस के लिए। लॉफ्टेड शॉट यहाँ पर खड़े खड़े मारने की कोशिश रहेगी, कोई भी यहाँ पर बल्ले के बीच संपर्क नहीं, गलत शॉट खेलने के बावजूद विकेट नहीं ले पा रहे हैं, तो बहुत ही बुरी स्थिति है मैं कहूँ तो। चलिए अब मैं खुद अपने हाथ से यहाँ पर विकेट कैसे दिलाई जाती है वो दिखाता हूँ आप सभी को। अरे यार कुछ तो कर लो भाइयों, कम से कम अब तो आउट हो जाओ यार। कोई नहीं, अगली गेंद एक बार फिर से सामना करेंगे, कौन से बल्लेबाज है भाई, अब तो भाई मार ले। ओ भाई तो चौका छक्का मारे जा रहा है यार, इसको सोचो आउट होगा, वो आउट होता नहीं रहा है। कोई नहीं, तो आज फैफी डी प्लेसिस का बल्लेबाजी करवा देते हैं। वीडियो में बस 2 मिनट बचे हुए हैं भाई लोग, अगली वीडियो जो आएगी पार्ट 2 CSK वर्सेज, तो उस वाले में आपको मैं दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए आई एम सॉरी फॉर द एडवर्टीजमेंट, यहाँ पर एड वाले परेशान करके रखे हैं। चलिए सैम करन को मिल चुकी है बल्लेबाजी, बच्चा आ चुका है बल्लेबाजी करने क्रिस मॉरिस के सामने, पहली ही गेंद, और मेरे साथ इसी गेंद पर छक्का के साथ शुरुआत करेगा, आई एम श्योर अबाउट इट। और देख सकते हैं आप सभी लोग, और विकेट गिरता हुआ फाइनली यहाँ पर। और अब जो है महेंद्र सिंह दे दनादन धमाकेदार बेमिसाल धोनी बल्लेबाजी करने आएंगे। जी हाँ आ चुके हैं धोनी, देखते हैं क्या कर पाएंगे धोनी स्ट्राइक पर। जी हाँ पहली ही गेंद, और महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पर आते ही मेरे हिसाब से छक्कों की झड़ी लगाने वाले इस मुकाबले में। ओहो बड़ा शॉट लगाया, सस्ता डेल स्टेन यहाँ पर कुछ कर नहीं पाएगा मेरे हिसाब से। अगली गेंद एक बार फिर से महेंद्र सिंह दे दनादन धोनी स्ट्राइक पर रहेंगे। क्रिस मॉरिस की गेंद और उठाकर शॉट खेलने की कोशिश की, कोई भी रन नहीं उस गेंद के ऊपर, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी सिंगल नहीं लेते, लगाते हैं सिर्फ छक्का और चौका। तो अब यहाँ पर 4 गेंदें बची हुई है, माफ़ करिए 3 गेंदें ओवर की, 1 छक्का यहाँ पर चाहिए पूरी देश की जनता को। सामना करेंगे क्रिस मॉरिस का, और पटकी हुई डिलीवरी उठाकर खेल दिया है 4 रनों के लिए, फाइनली एक चौका निकलता हुआ दे दनादन महेंद्र सिंह धोनी के तल बल्ले से। और अभी भी 2 गेंदें बची हुई है, देखते हैं इन 2 गेंदों पर क्या कर पाएंगे महेंद्र सिंह दे दनादन धोनी। कप्तान विराट कोहली यहाँ पर फील्डिंग बदलते हुए महेंद्र सिंह दे दनादन धोनी के लिए, लेकिन महेंद्र सिंह दे दनादन धोनी तैयार है बिल्कुल बल्लेबाजी करने के लिए। ये गेंद छक्का या चौका जाएगी ही, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, छक्का लगा दिया है महेंद्र सिंह दे दनादन धोनी ने, और क्या ही छक्का लगाया आप सभी देख पाओगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये गेंदबाज गेंद लेकर आया, इन्होंने यहाँ पर गेंद छोड़ी, गेंद पीच पर टप्पा खाया, और फिर गेंद बल्ले से लगकर 100 मीटर 1000 मीटर दूर स्टेडियम के पार जा चुकी है। अगली गेंद एक बार फिर से महेंद्र सिंह दे दनादन धोनी के लिए, सामने रहेंगे, देखते हैं क्या कर पाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक और बड़ा शॉट 4 रन के लिए, तो महेंद्र सिंह दे दनादन धोनी ने यहाँ पर 2 गेंदें डॉट खाने के बाद बल्लेबाज की पूरी यहाँ पर जो कसर है वो निकाल दी है, गेंदबाज के छक्के छुड़ा दिए। इसी के साथ अगली वीडियो में, अगली पारी अगले वीडियो में।